मैं ना अजमेर में ना एक और हमारी न्यू सिस्टर मिल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो भाई मिले तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एकदम से भाई हमने ना अपने सर पे ना पगड़ी भी लगा रही हूँ, कमेंट करके बता देना भाई हमारा राजस्थानी लुक कैसे लग रहा है। आज का व्लॉग भी अजमेर में स्टार्ट करते हैं भाई। माशाल्लाह से आज जाने वाले हैं हम भाई, दो तीन जगह करने वाले हैं। देखो, एक तो पुष्कर हो गया और एक छोटा कश्मीर हो गया भाई। ऐसे कहते हैं छोटा कश्मीर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला। अभी भाई हमने जल्दी जल्दी से ना सामान पैक करके ना निकलने हैं कि हमारा भाई यहाँ पर रुकने का फायदा नहीं। अगर थोड़ी देर रुक गए ना तो भाई वो ना एक्स्ट्रा चार्ज और लगा देंगे अगले दिन के। अभी तुम्हारा भाई ने देखो कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुका। आज मैंने ब्लैक आउटफिट मारा और अम्मी भी रेडी हो चुकी है। अम्मी कैमरा मैनिंग कर दी थी भाई। अम्मी ने आज वाला आउटफिट मारा, बढ़िया लग रहा है। चलो तीन जगह ना एक साथ घूमनी है मैं, फिर निकल जाएंगे हम सीधा घर। अभी तो यहाँ से जाएंगे, तेरी खाला मिल गई है यहाँ पर, नाश्ता वास्ता रेडी है तो बुला रही है, फोन कर रही है। अम्मी की फ्रेंड बन चुकी है भाई यहाँ पे न्यू। मैं वैसे लिफ्ट से पहले ना सीढ़ियों से पहुँच जाएंगे। नहीं, आज आखिरी डे है ना, अच्छा आखिरी डे है तो लिफ्ट से जाएंगे। चलो भाई फटाफट से, एक तो इतनी देर लगाती है ना, इतनी देर में भाई मैं यूं उतर जाता हूँ नीचे, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम था। फाइनली हमने ना रूम चेकआउट कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये गद्दी काहे की मिल चुकी है। गद्दी कुछ भी हो, किसी के भी काम हो, लेकिन मुझे इस वक्त ना धूप से बहुत पछा रही है। मुझे लग रहा है भाई ने लिए अपना कार में सोने के लिए, क्योंकि कार में ना भाई चलते में ना वो सर में लगता रहता, तो इसलिए ना गद्दी ले ली हमने। तो भाई लास्ट डे इन अजमेर, आज भाई बहुत ज्यादा मजे करेंगे, क्योंकि भाई आज हमारा लास्ट डे है ना, फुल एंजॉय करके जाएंगे, है नहीं अम्मी? है? ये आज फुल एंजॉय करके जाएंगे। हाँ। लास्ट डे है ना, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। चलो भाई फटाफट से चलते हैं अपनी कार पे। होटल के वो जो होते हैं ना वो हमारा सारा सामान लेके गए, बस मैं गद्दी लेके जा रहा हूँ ये वाली, क्योंकि मुझे धूप लग रही है बहुत से, तो धूप से बचते हुए चलने हैं। यहाँ पे आप देखो गेट देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा बड़ा भाई, बिल्कुल ये ना बहुत पुराने गेट लग रहा है। ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे देखो भाई ये भी आ जाती है, हजरत सैयद अली पीर बाबा। ना कार की ना भाई की भी मिल चुकी है भाई, बड़े दिन में ना यहीं पे खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमारी कार भी यहीं खड़ी हुई थी। ये रही हमारी नई चमचमाती कार। भाई गाड़ी तो निकल चुकी है हमारी, लेकिन भाई इसकी ना हालत खराब हो गई है पूरी, ना भाई गंदी हो गई। कोई बात नहीं भाई, दिल्ली आकर ना गाड़ी को धुलवा ही लेंगे। तो अम्मी इतने दिनों बाद कार में बैठी, कैसे लग रहा है? भाई कल उसमें बैठे थे ना, क्या कहते हैं उसे, ओमनी? हाँ ओमनी कहते हैं भाई उसे, वैन के तो कुछ भी कहते, तो थोड़ा ना अजीब अजीब से लग रहा है। एकदम से इसमें आ गए फिर उसमें बैठे हुए थे। यहाँ पे देखो भाई सोते सोते मेरे साथ कितना गंदा फोपटू, मेरा हाथ जल गया था परेश पे भाई, मैं सो रहा था और मैंने यूं हाथ रखा तो परेश से जल गया। लोकेशन पे तो आ चुके हैं और यहाँ से देखो पहाड़ कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल डेंजर भी आ रहा है। और हमने ना कार यहाँ पे छाए में खड़ी कर दी है। ये देखो यार बड़ा दुख हो रहा है इतनी गंदी देख के, लेकिन कोई बात नहीं, चलो भाई चलते हैं। मुझे तो भाई पहाड़ सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे। कौन सी लोकेशन पे आए थे ना, आ चुके हैं। और आते ना भाई ने यहाँ पे व्लॉग चल रहा था हमारा, तो व्लॉग देखने लग गए भाई, हमने ट्रिप का व्लॉग निकाला है और यहाँ पे लगने लगा है खाना। अम्मी अभी तुमने नाश्ता करा, खाना खाओगी? है हमारे पेट में तो अम्मी गुंजाइश नहीं बची, तुम ही खाओ खाना वाना। चलो गुंजाइश थोड़ी बहुत रख लेंगे, हाँ थोड़ी थोड़ी खा लेंगे हम दोनों। पहले भाई हमने प्लेट कर लिया है बकरे का गोश्त, और यहाँ पे भाई सैलेड आ चुके हैं। अम्मी कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ का अजमेर का भाई बकरे का गोश्त? माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। अबे भाई देख रहे हो आप ये क्या है, ये है भाई एक कछुआ, और ये देखो चलने लगा, तो बुला बुला देख चल के आएगा ये अपना पाता। देखो भाई कितनी समझ है, कछुए है वैसे तो, ये आएगा टेढ़ा मेढ़ा चलता पाता है। ये देखो भाई बिल्कुल ना बुलाने पे सीधा जा रहा है, ये रहा बस यूं जाता है। नहीं नहीं मतलब कुछ खाने को दे रहा है इसलिए आ रहा है, ये आ रही है। बढ़िया बढ़िया से शीशे चमका दे भाई, अभी देखो गाड़ी साफ करने का तो टाइम है नहीं, तो भाई ने सोची कि शीशे ही चमका देता हूँ, क्योंकि भाई शीशे इंपॉर्टेंट होते हैं, सामने देख ले रही है। और भाई जो सामने पहाड़ देख रहे हो, जहाँ कल चढ़े थे ना ताड़ागढ़ 7 किलोमीटर ऊपर, तो ये ना उसका ना बैक साइड का फ्रंट है और कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। और हम इस घर में आए थे, हमने सब चीज कर लिया भाई, अभी जा रहे हैं घूमने। अब जहाँ जहाँ जाते रहेंगे ना आप देखते रहने, इतने जल्दी से फटाफट से करते हैं अपने शीशे साफ। चलिए बैठ चुके हैं भाई अपनी कार में और हमने साफ वाफ क्लियर बिल्कुल कार कर दी है। और यहाँ पे जा रही है हमारे साथी वाली वेन्यू और हमारी कार जा रही है उसका ना भाई। अब आएगा फायदा जब हम पहाड़ियों पर चढ़ेंगे ना, तो सनरूफ में से निकलने का भाई मजा ही पहाड़ियों में। ये तारागढ़ का बैक साइड है, देखो बैक साइड से भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन भाई सनरूफ सब आने वाला मजा। जो भाई थोड़ी सी पहाड़ी आएगी ना सनरूफ खोल के अम्मी को निकालेंगे, ठीक है अम्मी? भाई आना सागर का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि भाई ने बनाया था, लेकिन भाई अभी जो हमारे सब्सक्राइबर थे भाई ने खाला ही किया, तो अब खाला ही मान लो भाई, इन्होंने हमें ना एक जगह लेके आई है बिल्कुल, हमें जो भाई आना सागर मिलेगा बिल्कुल पास से। यहाँ पे देखो भाई ये सब चीज ना इनकी यही, तो यहाँ से ना हमें बिल्कुल क्लियर दिख सकता है। ये देखो इसमें ना भाई इतनी ज्यादा मछलियां, और ये बता रहे थे
भाई कुछ दिन पहले जब पानी भरा था ना तो यहाँ तक आ गया था, टोटल मच्छी ही मच्छी हो गई थी। लेकिन माशाल्लाह से व्यू देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे देखो भाई पब्लिक ना फुल इंजॉय कर रही है, नहा रही है, क्योंकि भाई देखो धूप हो रही है ना, आज ज्यादा गर्मी हो रही है तो पब्लिक कह रही है नहा लो। लेकिन भाई यहाँ का बंदा ना यहीं नहा सकता, बाहर वाला बंदा नहीं नहा सकता, क्योंकि इन्हें पता रहेगी ना भाई यहाँ पे कितना घेरा कितना नहीं है। अब हमें क्या पता भाई कहाँ पे कितना घेरा, और ना यहाँ से ना भाई पूरा ना पार पार करके, और जिसने भाई का व्लॉग देखा होगा बोटिंग करी थी आने सागर के ना, तो यार पूरा यूं जा सकते हैं घूम के डायरेक्ट हम बोट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो वादा भाई कमेंट करके बता देना व्यू कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो इतनी सारी पब्लिक आ चुकी है भाई, इनों की वजह से हमें ऐसी ऐसी लोकेशन घूमने को मिलनी है, वरना भाई अगर हम आते तो भाई सिर्फ अजमेर जाते, सिर्फ जहाँ जहाँ मेन मेन लोकेशन होती है वहाँ वहाँ घूम के चले जाते, ऐसी जगह पे नहीं आ पाते। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है व्यू। बस भाई जी चारा बस यहीं पे ना ऐसी बैठे रहो और बातचीत करते रहो, व्यू के मजे लेते रहो। सबसे देखो डेंजर तो पहाड़ लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है भाई यहाँ से देखने में पता नहीं हम कितनी बाहर आए हैं कितनी दूर आए हैं। फोटो शूट कर रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे आकर फॉलो भी कर देना और रील को लाइक कमेंट शेयर कर देना। बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे फोटो वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई लोकेशन ही अच्छी है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। अम्मी उतरा नहीं जा रहा, मैं तो तुमसे कहने आ रहा था नहाने चलने हैं, मेरी बहन जी साथ में है ना तो वो मेरी मदद कर रही है। लोकेशन तो माशाल्लाह खूब अच्छी लगी है अम्मी। दूसरी लोकेशन पे कौन सी पे जाना है? अबू ले जा रही है, मुझे तो पता नहीं। हाँ भाई उन्हें पता क्योंकि वो यहीं की है ना, उन्हें सारी लोकेशन पता है। एक से फिर बैठते हैं अपनी कार में और निकलते हैं दूसरी लोकेशन के लिए। तुझे क्या बताऊं मैं लोकेशन पे महाराणा प्रताप की, और यहाँ पे देखो भाई कितनी ही बड़ी मूर्ति बना रखी है और कितनी ज्यादा डेंजर लग रही है। ये देखो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी है, कैमरे में तो भाई इतनी बड़ी आ नहीं रही जितनी बड़ी है रियल में लग रही है। और भाई इनके बारे में देखो यहाँ पे सब चीज लिखा है, आप ना आराम से फोटो खींचो और पढ़ लेना, लेकिन जो भी बात को लग बहुत डेंजर रही है। और यहाँ पे ना भाई रेस्टोरेंट भी आ जाता है, यहाँ पे किसी को खाना पीना खाना हो वो भी हो जाएगा। और फोटो शूट की तो भाई बहुत ज्यादा लोकेशन है, और ये देखो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, गार्डन सा बना हुआ फ्लावर्स का बहुत प्यारा लग रहा है। और वहाँ पे देखो पहाड़ के ऊपर ही बनी हुई है ये भाई। आज घर निकलना है ना, तो इसलिए ना थोड़ी थोड़ी देर ना एक एक लोकेशन पे जा रहे हैं, अगर ज्यादा देर रुकेंगे ना तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, फिर हम घर भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 10-15 मिनट हम रुकते हैं, फिर दूसरी लोकेशन के लिए चले जाते हैं। ये खड़ी हमारी कार, फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं दूसरी लोकेशन पे। और व्यू तो आप चेक कर सकते हो कितना ज्यादा डेंजर आ रहा है। अम्मी तो पहले ही सनरूफ का मजे ले लिए है, अब मैं लेता हूँ इसे फटाफट से खोलते हैं। अच्छा गलत खोल दिया क्या? अरे हटा हटा हट, अब खुलेगा, ये खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। अब दिखाता हूँ भाई आपको नजारे। भाई चलो निकल चुके हैं सनरूफ से, ये देखो भाई सनरूफ के फायदे यही के हैं भाई, नजारे पहाड़ों पे बहुत ज्यादा काम आता है। और हम देखो भाई आराम से ना दोनों लोग निकल चुके हैं, अब देख सकते हो नजारा कितना। और जो हमारे साथ जा रही है भाई वेन्यू, उसमें भी सनरूफ है, वो भी फुल मजे लेते हुए जा रहे हैं। सबने एक लाइन तो सुनी होगी, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो उसका एक लाइव एग्जांपल तो हमने आपको देखो यही दिखा दिया, कितना ज्यादा रियल लग रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल नेचुरल नेचुरल आ रही है। भाई अभी रास्ते में रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हिरण है, और भाई यहाँ पे देखो इन्हें बंदर कह लो क्या कह रहे हो, लंगूर कहते हैं, अम्मी ने क्या कहते हैं, लंगूर कहते हैं। तो भाई यहाँ से हम उनके लिए ले रहे हैं केले, अगर लंगूर खाएंगे लंगूर को खिला देंगे, हिरण खाएगी हिरण को खिला देंगे। ले ले केले खाना आ रही है, खा लिया लाओ देना अम्मी, अंगूरों को बाद में खिलाएंगे, पहले तो हम इसे भैंस को ही खिला देते हैं। ले भाई ले ले ले, खा लिया ये खुश हो गई भाई अब केला खा के। अब मुझे लग रहा भाई मारने आ रही है, लेकिन ये केला खाने आ रही थी। अंदर भाई इतना एटीट्यूड है अम्मी ने देखो एक दो दो केले फेंक दिए, लेकिन ये पकड़ नहीं रहा, इन्हों का भाई ना झिक चुके हैं खा के। अम्मी का अम्मी पीछे पीछे पीछे, अरे वो केले खाने आ रही है, केले खिलाओ ना, ये कुछ नहीं कह रही है, केले खा रही है बहुत अच्छी है। ओहो लाओ। तो भाई इतने सारे मैंने भी केले ले लिए, मैं भी खिला के देखता हूँ, ये आलू को खिलाता हूँ पहले। अबे एक ओ रहा है, ये तो मार वार बाबा, एक खिला दे खिला दे गन्ने का, और इसके भाव बढ़ गए क्योंकि आ रहा है पीछे आ रहा है, आ जा ले पास तो ले आ। ओ लड़ाई हो गई उठा के दे दो हाँ दे दो आराम से खा ले, 3-2-1 एक और भाई अंदर हिरन है, अंदर फेंक दे, अंदर खा लेंगे बेचारी, खिला दे अंदर एक और हिरन को खिला जा, अबे ये नहीं खाएगा, हिरन को दे दे हिरन, अबे हिरन नाम दिखा के लाऊ वहां पर, अंदर देख ले अंदर देख अंदर चल दिया, कोई बात नहीं दे दे, ये रही फेंक दे अंदर फेंक दे, ये हिरन देखो भाई इनकी सींगें कैसी लग रही हैं, इनकी सींगों पे भी बाल आए हुए हैं, गुच्छे हैं पूरा का पूरा। चलो फटाफट से भागो, चलो
लोकेशन पे आ रहे भाई, हम जा रहे हैं पुष्कर। वहाँ पे ना भाई जैसे ये रेता पड़ा ना वहाँ पे ना पूरा में ऐसे ही क्लियर, लेकिन यहाँ पे ना भाई थोड़ी घास फूस भी आ रही है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे और ज्यादा मजा आने वाला, सबसे बेस्ट लोकेशन ना हमें वही वाली लगी है। हमारी कार भी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और पूरे में रेते रेत हो गया, और यहाँ पे ना देखो ऊँट ऐसे मिलेंगे और ना बग्गी में करके जाएंगे। तो अभी देखते हैं भाई हमें जीप करनी है या बग्गी करनी है, जैसे भी करनी है वैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर करेंगे वहाँ पे जाके इंजॉय। बाकी आप मौसम देख सकते हो कितना ओके का हो गया भाई, देखो ऊपर की साइड ना घटासी हो रही है और बादल ना जैसे घर घर आते हैं ना वो घर घर आ रहे हैं। बारिश भी आ गई थी, बस बारिश ना आए ऐसे मौसम रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल जैसे ठंड आ गई है। भाई जीप भी कर लिया, अब बैठ जाते हैं फटाफट से। ओए होए अब आने वाला भाई असली मजा, लगा लो भाई से लगा दो। अरे हम तो खड़े होकर चले आएंगे, ये बस लग गया क्या लगती है तो। अरे ये जब तुम ऊपर चढ़ोगी जब तो लगेगी, अभी तो भाई हम व्यू का मजा लेते चलते हैं, आराम से खड़े होकर चलेंगे। बहुत ज्यादा ना एडवेंचर हो रहा है भाई यहाँ पे ना, बिल्कुल भी ऐसे गाड़ी भगा रहे हैं जैसे रोड में चला। और रोड ये देखो, ये देखो, ये देखो, और रोड ने पूरी मट्टी मट्टी है रोड में ये, लेकिन बहुत देखो गाड़ी भाई पूरी घूम रही है। देखो तो भाई ऐसे और कटिंग मार रहे हैं, अब उछलेगी देखो ये जो। ओहो अरे यहाँ पर वाली भी अम्मी क्या? जो वाली अभी देखेंगे वहाँ पर उतर गया। और यहाँ देखो ऊँट भी, ऊँट उठ यहाँ तो वो बनी पड़ी है राजस्थानी पूरी की पूरी लोग। वाह वाह ये है जगह कुछ प्यारी। तो मैं ना अजमेर में ना एक और हमारी न्यू सिस्टर मिल चुकी हैं। अब देखो भाई एक तो हमारी सिस्टर थी और एक और न्यू अभी लॉन्च हुई है बिल्कुल 2024 में, ये रही अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दो भाई मिले तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनको तुम मतलब जब तक प्यार करना, इनकी शादी हो, इनको भात देना, सब काम निभाना जो तुमने इन्होंने भाई बनाया तुम्हें। चलो भाई अब भाई का दर्जा दे दिया तो भाई निभाना पड़ता है नहीं? ठीक है। और ये ना फुल एंजॉय ले रही है, इनों की वजह से हमें ऐसी ऐसी लोकेशन पता चली है, वरना हम तो अम्मी वहाँ से दरगाह शरीफ से होकर घर चले आते सीधा। सब पता है तो ये हर जगह दिखूंगी। और अम्मी की भी बहन दिखा देता हूँ मैं, ये रही एकदम से। भाई हमने ना अपने सर पे ना पगड़ी भी लगा ली, कमेंट करके बता देना भाई हमारा राजस्थानी लुक कैसे लग रहा है। भाई ने भी लगा ली और मैंने भी लगा ली। अभी फटाफट से भाई हमने गाड़ी भी ले ली है, एटीवी भी तो भाई गाड़ी ले ली है, इसे ना यहाँ पे चला के देखते हैं। तो जल्द तुम्हारा भाई पहले इसकी राइड लेता है, भाई स्टार्ट यहीं से आएगी, डायरेक्ट कर दूंगा यहाँ से। नहीं है यहाँ से है, चाबी ओपन करी भाई। ओ दबा ले अपनी दुख दुख पे बैठते हैं और चलते हैं नीचे की साइड, क्योंकि भाई वहाँ पे अम्मी खड़ी हुई और खाला खड़ी हुई और सिस्टर खड़ी हुई है। तो ये रहा हमारा सन ग्लासेस आ गया, बाकी आप कमेंट तो पक्का करना कि हमारा ये राजस्थानी लुक कैसे लग रहा है। भाई चला रहा और इसका एक जोश इतना हार्ड है ना, आवाज भी नहीं आ रही है। मेरी काली शर्ट का क्या हाल हो चुका, पूरा कपड़ा ना मट्टी मट्टी में ही हो गए। हालांकि मजा आ रहा भाई उससे, लेकिन उसमें ज्यादा डर लग रहा था, वो ऐसे लग रही थी गिरने वाली है। भाई यहाँ पे ना जीप ही जीप है, क्योंकि ये 4x होती है ना, और इनके अलावा तो कोई और सी गाड़ी चलने की भी नहीं है। हमारी होकर टायर भी छोटे होते हैं और इन होकर बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहीं पे भाई ये 6-7 पॉइंट घुमाएंगे जीप में से। और जो पीछे आप हवेली देख रहे हो ना, ये करण अर्जुन में ठाकुर की हवेली कहते हैं इसे। ये भाई पीछे देख रहे होगा, यहाँ भी जाएंगे शायद। यहाँ के भाई एक मट्टी में बात है भाई, कपड़े गंदे तो कर रही है, लेकिन ना भाई रे नहीं रही बिल्कुल। देखो यूँ हाथ मारो ना बिल्कुल कपड़े साफ वैसी नहीं है। और बारिश नहीं आती तो भाई हमारी धूल धूल हो जाती, फिर तो भाई हमारे बालों में मट्टी भर जाती। जहाँ जहाँ भाई सूखी मट्टी है ना वही वहाँ उड़ रही है बाल, लेकिन मौसम बहुत एंड कर दिया बारिश ने आके। भाई यहाँ पे इतनी गंदी चलाते ये नहीं देखते भाई पहाड़ है यार, तो भाई उड़ाने से मतलब है। करण अर्जुन में जो हवेली थी ना वही वाली हवेली ये वाली है, तो आपने फिल्म में देखी होगी, तो देख लो वहाँ पे भाई अलाउ नहीं जाना, अगर अलाउ हो तो जाना तो जरूर जरूर जाते। और भाई अम्मी कैसे लगा तुम्हें? भाई खाला को तो इतना डर लग रहा है, आगे बैठ गए खाला, एक बार पीछे आके बैठे हो जाए। की वजह से मुझे इतना डर लगता है कि बस मैं यही सही
हाँ भाई प्रॉब्लम नहीं भाई, एंजॉय लेते सब। दोबारा बैठ जाते हैं भाई, अब नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। हमारी दो लोकेशन तो हो चुकी हैं, अब तीसरी पे जाएंगे। खतरनाक वाली, अब खतरनाक वाली आई। और भाई जो नीचे गहराई देख रहे हो ना भाई, इसमें से ना गाड़ी कूदेगी। अभी देखते हैं भाई क्या सीन है क्या। हमारा जितना एडवेंचर था ना वो तो खत्म हो चुका है। अब जा रहे हैं हम अपनी कारों के पास, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ गया। ये रही भाई हवेली का गेट, यार कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे देखो भाई आम की खेती हो रही है, और वहाँ पे भाई रो किसकी वो दिखाई थी, आमले। अच्छा आमले की, अच्छा आमले की खेती हो रही है भाई, मुझे आम सुना है ये। देखो भाई जितना भी छोटे छोटे लटक रहे हैं, टोटल ना आमले ही आमला ये कितने ज्यादा है। यम्मी तेल ही तो बनता है इसका, है नी। सब्जी भी बनती है, इसका अचार भी डलता है, इसको खाते हैं, ऐसे भी नमक लगा के भी खाते हैं। अच्छा भाई जैसे मर्जी कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम बन जाते हैं एक चीज के। और यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शेर भी निकल के आने वाला हो, आने वाला है। लोकेशन ये ऐसी है भाई यहाँ की। तो भाई भाई ने दोबारा रेगिस्तान में डाल दी वहाँ से, तो भाई बस एक शॉर्टकट था ना, वहाँ से कट मार के दोबारा आ चुके। और सामने का व्यू देखो कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक तो भाई देखो ऐसी ऐसी जगह डालते रहते हैं ना, तो एकदम से डर लग जाता है। ये देखो पूरी काट देंगे, ये घुमा दी। फाइनली अब हो चुकी है हमारी रेगिस्तान की ट्रिप खत्म। फटाफट से ना कमेंट बोल देते हैं। पहला कमेंट है आमिर मोहसिन, रूहानियत महसूस हुई अजमेर रे ख्वाजा का दीदार करके, माशाल्लाह बहुत बहुत खूब शुक्रिया। दूसरा कमेंट है मन्नत परवीन, मुझे तो आपके व्लॉग इसका वेट रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह किसी की नजर न लगे, मेरा नाम ले दीजिए मन्नत। लो जी आपका नाम भी ले दिया। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इन्होंने बोला था जब मन्नत हवेली पे खाना खाया ना तो मुझे बहुत खुशी लगी, मेरा नाम भी मन्नत है। लो जी खाना भी मन्नत हवेली पे खाया, आपका नाम भी मन्नत है। आपसे हम मिले नहीं। और भाई नेक्स्ट लोग होने वाला बहुत धमाकेदार, हम जा रहे हैं बर्फीले उसमें। बाय बाय।